हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल अवेयर में। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक वर्डप्रेस का ऐसा प्लगइन्स जिससे आप अपने पूरी पोस्ट को अच्छे तरीके से रैंक कर सकते हो और रैंकिंग में आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगा। पूरा जो ट्यूटोरियल है उसी प्लगइन्स पे है। तो कौन से वो प्लगइन्स और किस तरह से इस्तेमाल करेंगे तो इस वीडियो को पूरा तक देखिए। बाकी चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, उसका टिक आइकन जरूर दबा दे और वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करके कमेंट प्यार से जरूर कर दे ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके अगली वीडियो बनाने के लिए। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले आपको जो है वर्डप्रेस के जो है इस डैशबोर्ड पे आ जाना होगा। वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे आने के बाद जो है सिंपली आपको एक प्लगइन इंस्टॉल करना है। तो उसके लिए सिंपली आपको सबसे पहले आप यहाँ पे मैं फोर्स दिखाता चलूँ कि आपका यहाँ पे जो है किसी भी टाइप का एसईओ रैंकिंग इसमें नहीं है अभी फिलहाल। तो आप प्लगइन्स पे चले जाते हैं, इसके बाद ऐड न्यू पे चले जाएंगे। ऐड न्यू पे जाने के बाद आपको यहाँ पे सर्च कर लेना है एक प्लगइन्स जिसका नाम है रैंक मैथ। इसको सर्च करने के बाद जो है मैं आपको बताता चलूँ कि कुछ इस टाइप का जो है आपको आइकन दिखेगा रैंक मैथ एसईओ। तो इसको आपको जो है इंस्टॉल कर लेना है। मैंने पहले से इंस्टॉल कर रखा है इसलिए मैं एक्टिवेट करता हूँ, आपके लिए मैंने डीएक्टिवेट किया था। तो यहाँ से मैं जो है इसे एक्टिवेट कर लेता हूँ और जैसे ही मैं एक्टिवेट करूँगा तो आप यहाँ देख सकते हो कि एसईओ डिटेल्स के पास जो है मेरा जो है 83, 83, 85, 80 इस तरह से जो है रैंकिंग आ गया है। 81 से प्लस आएगा तो एक ग्रीन आता है, तभी मैं बताऊंगा इसके बारे में डिटेल्स में और भी। तो इसके लिए सबसे पहले मैं एक पोस्ट खोल लेता हूँ। पोस्ट खोलने के जो बाद है आपको यहाँ पे जो इंटरफेस आएगा आपको सिंपली जैसे आप ब्लॉग लिखते हो वही आपका इंटरफेस आएगा। इसमें आपको यहाँ पे देख सकते हो टॉप पे यहाँ पे 81, 83/100 जो है आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे तब यहाँ से आप अपना एसईओ जो है अपने ब्लॉग पोस्ट का कर सकते हो। तो सबसे पहले अपने कीवर्ड को जो है वो कॉपी कर ले, जो भी कीवर्ड को आप रैंक कराना चाहते हो अपने ब्लॉग पोस्ट पे। तो आपको यहाँ पे फोकस कीवर्ड पे आपको अपना जो है वो कीवर्ड यहाँ पे पेस्ट कर देना है। इसके बाद आप यहाँ पे चार सेक्शन देख सकते हो, ब्लॉग एसईओ, एडिशनल, टाइटल रिलेविटी और उसके बाद एक कंटेंट का है। तो आपको इन सभी पे जो है आपको एसईओ करना है। तो सबसे पहले मैं बेसिक एसईओ पे जैसे क्लिक करूँगा तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपको बोल रहा है फोकस कीवर्ड आपको यहाँ पे ऐड करने के लिए। तो फोकस कीवर्ड क्या होता है, तो आप क्वेश्चन मार्क पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि फोकस कीवर्ड किसे कहते हैं। इनका ही एक आर्टिकल होता है और ये बताते हैं कि किस तरह का जो है फोकस कीवर्ड होता है। अब बाकी जो अगर मैं बताता चलूँ तो फोकस कीवर्ड उसे बोलते हैं जो कीवर्ड आपका टाइटल में है उसी कीवर्ड को आपको फोकस करना है, फोकस कीवर्ड में डालना है ताकि आपका जो रैंकिंग है वो ईजिली हो सके। अगर उस कीवर्ड को किसी ने सर्च किया तो आपका भी आर्टिकल्स जो है वो सर्च लिस्ट में है। दूसरा जो है फोकस कीवर्ड यूज़ इनसाइड एसईओ मेटा डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन वगैरह में भी यूज़ करना है। बाकी और भी आपको यहाँ पर देख सकते हो तो आपको जो कंटेंट है वो कम से कम 1000 वर्ड से जो है वो ज़्यादा लिखना है। तो इस सब करने के बाद जो है आपको यहाँ पे एडिशनल में आपको फोकस कीवर्ड फाउंड इन जो है सब टाइटल ये सब दिख रहा है, जो कि आप इसमें जो भी चीज़ आपका हो जाएगा वो आपको टिक दिखा देगा, जिस पर आपको क्रॉस है वो आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको जो है अपना यहाँ पर देख सकते हो कि सब टाइटल वगैरह जो है पहले आप H1 फिर H2 और उसके बाद जो है बाकी सारा हेडिंग जो आप H3 में डालेंगे। तो कीवर्ड डेंसिटी होता है कि आप कितने टाइम्स जो है कीवर्ड यूज़ कर रखे हैं। तो यहाँ पे भी दिखा रहा है कि अगर मैं 12 टाइम यूज़ करूँगा यानी कि 0.76 का जो रेशियो है अगर वो रहेगा तो मुझे जो है हल्का ग्रीन दिखाएगा। जितना ज़्यादा मैं कीवर्ड यूज़ करूँगा उतना ज़्यादा जो है यहाँ पर रैंकिंग वगैरह बढ़ेगा। उसके बाद जो है कैरेक्टर वगैरह जो है लॉन्ग कैरेक्टर आप लिख सकते हैं यहाँ पर, तो आपको एक पॉइंट और बढ़ जाएगा एसईओ में। तो जितना भी पॉइंट से बता रहे आप इसे कर ले और कोई भी दिक्कत हो तो आप जो क्वेश्चन मार्क है उस पर क्लिक करके आर्टिकल्स इनका पढ़ सकते हो, ज़्यादा समझ में आएगा। तो अभी यहाँ पे जो है आपको कंटेंट एआई मतलब यहाँ पे ये होता है कि आप अपने एआई के थ्रू भी अपना जो है ये एरर जो है सुधार सकते हो। बाकी अगर टाइटल में अगर जाऊँ तो यहाँ पे फोकस कीवर्ड यूजिंग बिगिन ऑफ एसईओ टाइटल है यहाँ पे, उसके बाद टाइटल में मतलब वन अच्छी कीवर्ड, उसके बाद दूसरा जो है टाइटल हैज़ पॉजिटिव या नेगेटिव स्टेटमेंट होना चाहिए, जैसे बेस्ट हो गया या फिर लाइक डिसलाइक कुछ इस टाइप का जो है पॉजिटिव या नेगेटिव वगैरह होना चाहिए, तब जाके आपका जो है टिक लगेगा। बाकी अगर आप कंटेंट में आओगे तो यहाँ पे भी आपको जो है एक टेबल ऑफ कंटेंट होना चाहिए। टेबल ऑफ कंटेंट पोस्ट में कैसे दिखता है या कैसा बनाया जाता है, तो सबसे पहले मैं अपने इस पोस्ट का जो दिखा देता हूँ कि इसका टेबल ऑफ कंटेंट कैसा है। मतलब जितना भी टॉपिक होगा वो सभी जो है टेबल ऑफ कंटेंट में आ जाएगा, तो कुछ इस टाइप का आप देख सकते हो। बाकी अब इसे अपने पोस्ट में कैसे लाया जाए तो उसके लिए भी एक जो है प्लगइन आता है, वो भी मैं आगे बताऊंगा आपको। तो यहाँ पे लिखा हुआ योर कंटेंट इमेज एंड वीडियो, तो कंटेंट होना चाहिए आपका जो है उसमें आपको जो है इमेज और वीडियो भी होना चाहिए। तो मेरे इस ब्लॉग में जो है इमेज है, मैं आपको यहाँ स्क्रॉल करके दिखा सकता हूँ कि ये आप देख सकते हो कि मेरे पे जो है इमेज है। आप वीडियो वगैरह भी इसके अंदर जो है इम्प्लीमेंट कर सकते हो, यूट्यूब का भी वीडियो।
बाकी साथ साथ मैं आपको जो है बताता चलूँ कि अभी जो है मैंने कंटेंट पे बताया था कि टेबल ऑफ कंटेंट कैसे बनाया जाए, तो उसके लिए जो सिंपली आपको है एक और प्लगइन जो है इंस्टॉल करना पड़ेगा, जिस प्लगइन का नाम मैं आपको आगे बताता चलूँगा। तो उसके लिए सबसे पहले आपको प्लगइन पे चले आना है, वापस जो है ऐड न्यू पे जो है आपको क्लिक करना है जिस तरह से आपने पहले किया था। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो उसके बाद जो है आपको लिखना है ईजी टेबल ऑफ कंटेंट। आप यहाँ पर देख सकते हो कि मेरा ऑलरेडी जो है इसके अंदर एक्टिवेटेड है। बाकी मैं आपको इसका लोगो भी दिखा देता हूँ कि आपको कौन सा ऐड करना है। तो मैं ऐसे नाम कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद जो है आपको यहाँ पे जैसे ही मैं सर्च करूँगा तो थोड़ा सा ये टाइम लेगा। सर्च होने के बाद जो आप यहाँ पे देख सकते हो ये वाला जो पहला है ईजी टेबल ऑफ कंटेंट, इसे आपको इंस्टॉल करना है जो मैं यूज़ कर रहा हूँ। बाकी आप कोई भी यूज़ कर सकते हो, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। तो इस तरह का जो है आप करके आप अपने ब्लॉग पोस्ट का जो है SEO कर सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।